जम्मू और कश्मीर। हाँ, में एक नई भारत नीति ने भारत सरकार के लिए इसे आसान बना दिया, अशांत क्षेत्र से बाहर आने के लिए और खबर को नियंत्रित करने के लिए, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगले 5 वर्षों तक 50 पृष्ठों की नीति लागू रहेगी और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सूचना और प्रकाशन संबंधों के निदेशालय के अधिकारियों, जो नकली समाचार, साहित्यिक चोरी और अनैतिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ओथ रूपों की सामग्री की जांच करने के लिए संघीय सरकार द्वारा प्रभावित है। इसने DIPR को एकल नोडल एजेंसी के रूप में सभी विज्ञापन, संचार और संदेशों को सभी सरकारों, विभाग के लिए सभी अखबारों, प्रकाशनों और पत्रिकाओं के लिए जारी किया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सरकारी विज्ञापन को DIPR के माध्यम से रूट करना होगा। यह संदेश सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। नीति दस्तावेज द्वारा निर्धारित रूप में रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के रूप It seems the aim of the media policy is to demolish the local press in Kashmir. We don't know what stories will be labeled as international by the government. It is bizarre to see the policy gives one-sided power to the authorities to decide what's fake news and what's real. What the new media policy basically does is that it allows the state to create a framework within which it can regulate the journalistic work which is being produced. It basically turns journalists into stenographers. Who can basically only do PR for the state and nothing more. नई मीडिया नीति 2020 सरकारी अधिकारियों को भी शक्ति प्रदान करती है, जो अब पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो संगठन नई नीति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे बैनल होने के खतरे का सामना करते हैं या गैर सरकारी विज्ञापन खो देते हैं। There's scope of de-empaneling news organizations from getting government ads, and in a place like Kashmir, where economy is also throttled in so many different ways. Many news organizations rely on the state. This is taxpayers' money. People like us, taxpayers, were paying these taxes. And the government's job is to regulate it honestly and without partiality. But what is happening here is that the government wants only those news organizations to thrive who toe its line. And that's not the job of journalists. Their job is to speak for the people. And this money is coming from those people. नई नीति यह भी बताती है कि प्रकाशकों, संपादकों और संगठनों के कर्मचारियों के लिए व्यापक पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य है। सरकारी विज्ञापन चाहते हैं, इस बीच पत्रकारों को मान्यता के लिए इसी तरह के चेक के अधीन होना चाहिए। We see all this new media policy an extension of all that process of trying to silence, intimidate and threat the media in Kashmir. And the authorities have tried to, you know, increase the surveillance on journalists. They have been interfering with the work of journalists. Many have been harassed, especially since August last year, when the government imposed a strict clampdown on and blocked all the communication services. But this new media policy brings with it the brazenness of the authorities with which they are trying to and attempting to control the press, especially the local media. पिछले वर्ष के अगस्त में जम्मू कश्मीर के अर्ध स्वायत्ता को हटाने वाले अनुच्छेद 370 के भारत सरकार के निरसन के बाद कश्मीर घाटी को नियमित मीडिया ब्लैकआउट और इंटरनेट ब्लॉकआउट के अधीन किया गया है। इंटरनेट वास्तव में जनवरी के अंत में बहाल हो गया था, लेकिन लोगों को 2G गति पर 153 श्वेत सूचीबद्ध साइटों तक पहुँच की अनुमति थी। सभी वेबसाइटों तक पहुँच अंततः 20 मार्च को दी गई थी, लेकिन अभी भी 2G कनेक्शनों तक ही सीमित थी। जून में 12 अलग अलग दिनों में होने वाले इंटरनेट शटडाउन पर जुलाई के मध्य तक 6 बार नाकेबंदी होने के बाद भी ब्लॉकआउट नियमित रूप से होता है। मीडिया ब्लॉकआउट, धीमी गति से इंटरनेट की गति और समग्र अयोग्यता ने पत्रकारों को कश्मीर की रिपोर्टिंग से बुरी तरह बाधित कर दिया है और नवीनतम मीडिया नीति 2020 उनके लिए कश्मीर घाटी में होने वाले अन्याय पर रिपोर्ट करना और भी मुश्किल बना देगी। जुलाई 2020 2 द कश्मीर प्रेस क्लब H-9 पोलो व्यू श्रीनगर जम्मू और कश्मीर विषय जम्मू और कश्मीर प्रशासन की मीडिया नीति सम्मानित अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव और अन्य पदाधिकारी एक महीने से अधिक समय हो गया है जब जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने नई मीडिया नीति बनाई थी जैसा कि आप इस नीति की विषय वस्तु से अवगत हैं इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के अंतिम प्रचलन को समाप्त करना है और पत्रकारों के पेशेवर काम का अपराधीकरण करना यह भी स्पष्ट है कि यह नीति कश्मीर प्रेस की कार्यप्रणाली को पंगु बनाने के लिए बनाई गई है जो पहले से ही अस्तित्व के संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस नई नीति से पत्रकारिता के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई है और व्यक्तिगत पत्रकारों के साथ साथ मीडिया घरानों को बेहद असुरक्षित बना दिया गया है
यहाँ कुछ पत्रकारों द्वारा आलोचना के बावजूद प्रशासन ने इस मीडिया नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है। मीडिया नीति विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान प्रेस और व्यक्तिगत पत्रकारों की बेशर्म धमकी के कई मामलों की पृष्ठभूमि में आई है। नीति लागू होने से पहले दो पत्रकार थे। आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। संयोग से बुक किए गए पत्रकारों में से एक कश्मीर प्रेस क्लब का एक निर्वाचित कार्यकारी सदस्य है। फर्जी खबरों के आरोप लगने के बाद एक अन्य पत्रकार को अनंतनाग के एक पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, क्योंकि अधिकारियों ने बार बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें समाचार कार्यक्रम का अपना संस्करण नहीं दिया था। ऐसे मामलों के स्कोप भी आए हैं जहां पत्रकारों को विभिन्न पुलिस थानों में बुलाया गया और उनके प्रकाशित कार्यों के बारे में पूछताछ की गई। एक कहानी के लिए पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज करना की प्रशासन को नापसंद करना एक प्रवृत्ति बन गई है और यह प्रक्रिया बिना रुके जारी है। हम बेहद चिंतित हैं कि नई मीडिया नीति का उद्देश्य प्रेस को बदनाम करना, समाचारों को नियंत्रित करना और सुरक्षा नौकरशाही प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित करना है कि समाचार क्या है और फर्जी समाचार क्या है। यह ओरवेलियन नीति प्रेस को जमीन से पेशेवर रिपोर्टाज के मूल सिद्धांतों को अनदेखा करने और एक कहानी में तथ्यों की अनदेखी करने के लिए मजबूर करने का भी प्रयास करती है, क्योंकि प्रशासन उन तथ्यों को राष्ट्र विरोधी मानता है। नीति यह स्पष्ट करती है कि सरकार या उसके संस्थानों की कोई भी आलोचना स्वीकार्य नहीं है। केवल सरकार के अच्छे काम को उजागर करना पत्रकारों का काम नहीं है। वास्तव में सरकार के पास सैकड़ों अधिकारियों के साथ एक समर्पित विभाग है जो इसके सार्वजनिक संबंधों की देखभाल करता है। यदि मीडिया राज्य का विस्तार बन जाता है तो यह मीडिया नहीं रह जाएगा। यह मीडिया नीति न केवल यहाँ काम करने वाले पत्रकारों की अखंडता पर सवाल उठाती है, बल्कि अकेले गैर सरकारी सरकार के प्रचार प्रसार के रूप में पत्रकारिता को फिर से परिभाषित करती है। मीडिया नीति को सार्वजनिक किए जाने के कुछ दिनों बाद कश्मीर प्रेस क्लब ने कहा था कि उसे सभी मीडिया संगठनों, मालिकों, संपादकों और पत्रकारों की एक संयुक्त प्रतिक्रिया की वास्तविक हिस्सेदारी धारकों को देखने की जरूरत है। पत्रकारों, इस मीडिया नीति को मंजूरी देने से पहले परामर्श नहीं किया गया है या ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। तब से हमने कश्मीर प्रेस क्लब से पत्रकारों या मीडिया संगठनों की किसी भी संयुक्त बैठक के बारे में नहीं सुना, प्रकृति के बारे में बहुत कम। मीडिया नीति की प्रतिक्रिया के बारे में कश्मीर प्रेस क्लब की ओर से कोई शब्द नहीं दिया गया है। उपर्युक्त कथन से परे मीडिया नीति की 16 जून 2020 को द कश्मीर वालेला द्वारा भी रिपोर्ट की गई थी। कश्मीर प्रेस क्लब कश्मीर की पूरी मीडिया बिरादरी का प्रमुख और एकमात्र निर्वाचित निकाय है। यह कहा गया है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना उनका पेशेवर कर्तव्य है। कश्मीर में पत्रकार बिरादरी का कल्याण हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए इस तरह के निर्वाचित निकाय के लिए हम बेहद भाग्यशाली महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम कश्मीर में काम करने वाले एक स्वतंत्र समाचार संगठन इस ड्रेकोनियन मीडिया नीति को वापस लेने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर कुल निष्क्रियता से बेहद परेशान हैं। हम आपको लिख रहे हैं औपचारिक रूप से न केवल हमारी चिंताओं को दर्ज करने के लिए, बल्कि कश्मीर प्रेस क्लब ने इस संबंध में क्या करने का प्रस्ताव किया है इस बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि यह एक पेशेवर समाचार संगठन के रूप में हमें गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हम यह भी सुझाव देना चाहेंगे कि हमारे निर्वाचित पत्रकार निकाय कश्मीर प्रेस क्लब को इस ओरवेलियन मीडिया नीति को चुनौती देने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए कानूनी कार्रवाई के माध्यम से। हम यह भी सुझाव देंगे कि KVV-19 स्थिति के कारण आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए KPC को इस नीति का विरोध करने की योजना तैयार करनी चाहिए। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे सुनने के लिए आभारी होंगे। कैफ्रन सादर, फहद शाह, मुखिया संपादक, द कश्मीर वाल।